सो गाइस, आप सबों के लिए प्रेजेंट है फिर से एक नई गाड़ी जो कि आप हमारे सामने देख सकते हैं, ऑल न्यू 2024 अपडेटेड बजाज पल्सर N160, जो कि आपको अपसाइड डाउन सस्पेंशन वाला मॉडल आपके सामने लगी हुई है। कोई भी कंपनी बजाज से सीखे कि किसी भी गाड़ी को कितना फास्ट अपडेट करना है, क्योंकि जस्ट 2 महीने पहले इस गाड़ी को अपडेट किया गया था, फिर से 15 दिन पहले इस गाड़ी में अपडेट आ चुका है जो कि आप हमारे सामने देख सकते हैं। और एक दो अपडेट नहीं, टोटल इसमें आपको 7 अपडेट किए गए हैं, आपको बड़े बड़े अपडेट देखने को मिलेंगे। तो आज हम लोग इस वीडियो में इस गाड़ी का डिटेल्ड वॉकराउंड रिव्यू करने वाले हैं। इस गाड़ी का अभी का आपको ऑन रोड प्राइस क्या है, माइलेज कितना का निकाल पाएंगे, टॉप स्पीड क्या है, और साथ साथ इसमें आपको क्या क्या फीचर्स दिए गए हैं, और पुराने वाले N160 और इसमें आपको क्या क्या अंतर देखने को मिलता है, हर एक उसके बारे में आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहें, और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो गाइस, सबसे पहले आप इसका की देख सकते हो, जो कि आपको बहुत ही बेसिक डिजाइन में आपको की दिया गया है। यहाँ पे आपको कोई भी अपडेट नहीं किए गए, और 2 की आपको कंपनी की तरफ से ही मिल जाएगा, और इस जगह पे आपको की के स्लॉट मिलेंगे। जैसे आप की को ऑन करोगे तो इसका आप यहाँ पे फ्रंट डिजाइन देख पाओगे, कोई भी आपको लाइट नहीं जलता है, बट इसे मैं आपको ऑन करके दिखाता हूँ, उसके बाद ही पता चलेगा कि आपको क्या फ्रंट का डिजाइन देखने को मिलेगा। ये आप देख सकते हो, फ्रंट में आपको 2 पीस LED में DRL लाइट देखने को मिलेंगे, जो कि आपको बहुत ही एग्रेसिव मिलता है। और इस जगह पे देखे आपको बड़े से बाईफंक्शनल LED प्रोजेक्टर लाइट दिया गया है। इसका मैं आपको एक बार थ्रो चेकआउट कराऊँ, जो कि आप यहाँ से देख सकते हो, लो बीम और आपको हाई बीम यही काम करने वाली है। अफकोर्स आपको यहाँ से इल्यूमिनेशन अच्छा मिल जाएगा, रात को चलाने में आपको इस गाड़ी से कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। नंबर प्लेट इस जगह पे लग जाएंगे, यहाँ पे आपको डुअल टोन कलर में आपको स्टिकर दिया गया है। टोटली आपको ग्लॉसी ब्लैक कलर के साथ आपको यहाँ पे फ्रंट फेस देखने को मिल जाता है। नीचे की ओर आएंगे तो यहाँ पे आपको फ्लोटिंग टाइप में आपको मडगार्ड दिया गया है। साथ साथ आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे भी आपको डुअल टोन कलर के साथ आपको स्टिकर देखने को मिलते हैं। और सबसे जो बड़ा अपडेट किया गया इस गाड़ी में 160 cc में, क्योंकि आप यहाँ पे देखेंगे क्योंकि आपको अप साइड डाउन सस्पेंशन देखने को मिलते हैं। दोनों साइड आपको यहाँ पे रिफ्लेक्टर मिल जाएंगे, गोल्डन कलर के आपको सस्पेंशन दिए गए हैं, जिससे आपको जो प्रीमियमनेस है वो आपको ज्यादा मिल जाता है। डुअल चैनल ABS का आपको यहाँ पे सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। ग्रेमिका का आपको यहाँ पे ब्रेक कैलिपर्स देखने को मिलेंगे। डिस्क देखेंगे, ये भी आपको बड़े साइज में दिए गए हैं। दोनों ही चक्के में आपको ABS मिल जाता है। साथ साथ जो फ्रंट टायर है ये भी आपको अच्छे खासे मोटे देखने को मिलते हैं। 100/90 सेक्शन के इसमें आपको फ्रंट टायर दिए गए हैं, जहाँ की आपको टोटली ब्लैक कलर के साथ आपको 17 inches के आपको एलॉय व्हील देखने को मिल जाएंगे। और ऊपर में देखेंगे तो इसका जो इंडिकेटर है, जो कि आपको हेलोजन से आपको टोटली LED में इंडिकेटर कर दिया गया है, बट अभी अभी आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको 1000 लाइट के पॉइंट आपको मिसिंग देखने को मिल जाते हैं। यहाँ से आप इसका साइड प्रोफाइल देख सकते हैं, जहाँ की आपको टोटली न्यू ग्राफिक्स देखने को मिल जाते हैं। आपको N160 को आपको यहाँ पे मेंशन किया गया है, जो कि आपको व्हाइट और रेड कलर के टच के साथ देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे भी आपको डुअल टोन कलर में आपको स्टिकर देखने को मिलते हैं। और ऊपर में देखेंगे तो यहाँ पे आपको डार्क क्रोम के साथ पल्सर को भी मेंशन किया गया है। इधर आप नीचे की ओर आएंगे तो इसमें आपको सिंगल हॉर्न ही देखने को मिलते हैं। क्रैश गार्ड का ऑप्शन आपको यहाँ पे दे दिए गए हैं। इंजन के जस्ट नीचे आपको इंजन काउल भी देखने को मिलता है, जिससे आपको एग्रेसिवनेस आपको ज्यादा मिल सके। और इसमें आपको किक स्टार्ट नहीं देखने को मिलते हैं। 164 cc का इसमें आपको इंजन देखने को मिल जाएगा, जो कि आपको 16 PS का पावर देने वाली है, एंड 14.65 Nm का ये गाड़ी आपको टॉर्क देने वाली है। माइलेज अप्रॉक्स आप 45 से 50 का आराम से निकाल पाएंगे। वैसे इस गाड़ी का आप माइलेज टेस्ट भी आप हमारे ही चैनल पर जाके देख पाओगे। टॉप स्पीड लगभग आपको 120 km का मिल जाएगा। और यहाँ से आप इसका सीट देखोगे, जो कि आपको 2 पीस सीट दिया गया है। राइडर के लिए भी आपको चौड़ा सीट मिलता है, और पिलियन का सीट देखेगा तो ये भी आपको चौड़े दिए गए हैं। यहाँ पे भी आपको पल्सर को मेंशन किया गया है। टैंक की ओर आओगे तो ये आपको टोटली मेटल में देखने को मिलते हैं। बीच बीच में देखोगे तो आपको यहाँ पे ग्रे कलर का आपको टच दिया गया है। 40 लीटर के इसमें आपको टैंक कैपेसिटी देखने को मिल जाएंगे। ये जो गाड़ी जो कि आपको E20 को भी सपोर्ट करने वाली है। और साथ साथ आप यहाँ पे देखोगे जो कि आपको USB चार्जिंग पॉइंट के आपको यहाँ पे स्लॉट देखने को मिल जाते हैं। सिंगल पाइप का आपको यहाँ पे हैंडल बार दिया गया है। और यहाँ से आप इसका मीटर कंसोल देखोगे, क्योंकि आपको पहले ही अपडेट कर दिया गया था, फुल्ली डिजिटल में आपको यहाँ पे दे दिया गया है। साथ साथ इसमें आपको टर्न बटन नेविगेशन भी देखने को मिल जाएंगे। और यहाँ पे आपको मोबाइल कनेक्टिविटी के भी ऑप्शन दिए गए हैं, जहाँ की आपको कॉल अलर्ट, SMS अलर्ट, मिस कॉल अलर्ट, हर एक फीचर्स आपको यहाँ पे मिल जाएगा। साथ साथ आप ये देखिए जो कि आपको स्पीडोमीटर दिए गए हैं, यहाँ पे आपको डिजिटल में क्लॉक मिल जाएगा। साइड स्टैंड लगे हुए उसके लिए आपको यहाँ पे इंडिकेटर मिल जाता है, गियर पोस्ट इंडिकेटर मिल जाएगा, फ्यूल गेज मिल जाएगा। और यहाँ पे आपको 3 ABS राइड मोड देखने को मिलेंगे, रोड मोड। साथ साथ आप यहाँ पे देखेंगे जो कि आपको ऑफ रोड मिल जाता है, और आपको यहाँ पे एक रेन मोड देखने को मिल जाएगा। और ये गाड़ी आपको माइलेज क्या दे रही है, एवरेज फ्यूल इकोनॉमी क्या है, डिस्टेंस टू इम्पट्टी क्या है, आपको हर एक कुछ दिखाने वाली है। और दोनों साइड आपको काफी कुछ इंडिकेटर भी देखने को मिल जाएंगे। स्विच गियर क्वालिटी की ओर देखेंगे तो यहाँ पे भी आपको बदलाव देखने को मिलेंगे। ये आपका मोड वाला बटन, जिससे इसके आप टॉगल करने के लिए ए बटन दिया गया है। साथ साथ आप यहाँ पे देखें तो आपको लो बीम, आपको हाई बीम, और यहीं पे आपको पासिंग के बटन मिल जाएंगे, लेफ्ट टर्न, राइट टर्न का स्विच, और ये आपके हॉर्न के स्विच, सिंगल हॉर्न ही देखने को मिलेंगे। इस तरफ देखें तो आपको यहाँ पे इंजन ऑन ऑफ करने का, इसका जो लाइट है उसे आप यहाँ से ऑन ऑफ कर पाएंगे, और इस जगह से आप इसे सेल्फ स्टार्ट कर पाओगे। आगे चल के इसका मैं आपको साउंड को चेकआउट कराने वाला हूँ।
यहाँ पे देखोगे इसके सीट काउल की, और जहाँ पे आपको N160 को भी मेंशन किया गया है, और इस गाड़ी में आपको अंडर बेली एग्जॉस्ट देखने को मिलते हैं जिससे आपको स्टेबिलिटी भी ज्यादा मिल जाएगा। रियर में देखें तो आपको मोनोशॉक टाइप के आपको यहाँ पे सस्पेंशन देखने को मिलेंगे, छोटा सा आपको यहाँ पे मैट स्लैब दिया गया है, और आप इसका टायर अगर देखोगे तो कि आपको अच्छे खासे बड़े साइज के दिए गए हैं। रियर में भी आपको डिस्क मिल जाता है, और यहाँ पे भी आपको ABS के ऑप्शन देखने को मिलेंगे, और साथ साथ इसके ऑफ रोड वाले मोड में इसका जो रियर वाला ABS है उसे आप ऑफ भी कर पाओगे। और रियर का जो टायर है जो कि आप यहाँ से देखोगे आपको 120 सेक्शन के इसमें आपको टायर देखने को मिलेंगे, और यहाँ पे भी आपको 17 इंचेस के आपको एलॉय व्हील दिए गए हैं, जहाँ की आपको डुअल टोन कलर में आपको स्टिकर देखने को मिल जाता है। गाड़ी के आप टोटली रियर सेक्शन की ओर आओगे तो यहाँ पे आपको स्प्लिट में ग्रैब हैंडल देखने को मिल जाएगा, LED में आपको यहाँ पे टेल लाइट देखने को मिलेंगे, इस जगह पे आपका नंबर प्लेट लग जाएगा, और ये आपको रिफ्लेक्टर दिए गए हैं। इधर देखोगे तो आपको सारी गियर के ऑप्शन पहले से मिल जाते हैं, लेडीज फुटेस्ट आपको बाहर से लगवाने पड़ेंगे, और इस गाड़ी में आपको टोटल 5 गियर के आपको मैनुअल ट्रांसमिशन देखने को मिल जाते हैं। साइड स्टैंड और मिडिल स्टैंड दोनों ही दिया गया, और साइड स्टैंड में आपको यहाँ पे साइड स्टैंड कटअप सेंसर के भी फीचर्स दिए गए हैं। गाइस अब मैं इस गाड़ी का आपको डायमेंशन के बारे में बता देता हूँ। इसका जो सीट हाइट है जो कि आपको 795 mm के रखे गए, अगर आपका हाइट 5.5 इंचेज है, 5.6 इंचेज है, तब तो आप इस गाड़ी को कंफर्टेबली चला पाओगे। एक बार मैं आपको बैठ के दिखाता हूँ, क्योंकि मेरा जो हाइट है जो कि आपको 5.6 इंचेज है, और दोनों साइड आप मेरा पैर देख पाओगे क्योंकि बहुत ही ज्यादा इजिली हट चुका है। ऐसा नहीं कि इस गाड़ी को मुझे चलाने में कोई भी प्रॉब्लम आने वाला है, चाहे आप इसे सिटी में राइड कर लो, चाहे इसे आप हाईवे में राइड कर लो, कहीं से भी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। और इसका जो सीटिंग पोजिशन है जो कि आप टोटली सीधा ही बैठते हैं, ना ही आपके हाथ में दर्द होगा और ना ही आपके कंधे पे दर्द होगा जब इस गाड़ी को आप लंबे समय के लिए भी चलाओगे, और कहीं से भी आपको ये गाड़ी भारी फील नहीं होने वाला है, क्योंकि इसका जो वजन है जो कि आपको मात्र 152 kg का ही रखा गया है, मतलब कि आपको 152 kg ही रखे गए हैं, जिससे कोई भी आदमी इस गाड़ी को कंफर्टेबली चला सकता है, आपको कहीं से भी भारी फील नहीं होने वाला है। और अब मैं इस गाड़ी को आपको एग्जॉस्ट साउंड को चेकआउट कराता हूँ। तो अभी का जस्ट आपने इस गाड़ी का एग्जॉस्ट साउंड को सुना, आपको कैसा लगा वो आप हमें कमेंट करके बता सकते हो। और लास्ट में आपको बताता हूँ कि इस गाड़ी का अभी का आपको ऑनरोड प्राइस क्या रखा गया है। पुराने वाले से मॉडल से अगर कंपेयर किया जाए तो इसमें आपको टोटल 7,000 रुपये का आपको इंक्रीमेंट किया गया है। पहले ये गाड़ी आपको 1,63,000 रुपीज में देखने को मिल जाते थे ऑनरोड, और अभी का इस गाड़ी का ऑनरोड प्राइस आपको 1,70,000 रुपीज हो चुका है, जो कि मैंने प्राइस बताया, जो कि मैंने आपको रौनक बजाज रांची का आपको प्राइस बताया हुआ है। तो मैंने कहा जिस गाड़ी के रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन थे इसके डिटेल्ड रिव्यू में, वो मैंने आपको हरे कुछ अच्छे से बता दिया है। अगर आपको अभी भी कोई कंफ्यूजन होता तब आप कमेंट करके पूछ सकते हो, और साथ साथ आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर पाओगे। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।